सत्य के साथ। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उनके रहने खाने पीने सफर के दौरान कोई भी दुश्वारी ना हो, इसके लिए पर्यटन विभाग भी तत्पर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पर्यटन सचिव सचिन कुर्बे, वो बताएंगे पर्यटन विभाग किस तरीके से विश्वविख्यात चारधाम यात्रा को कैसे मैनेज कर रहा है और यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए क्या बंदोबस्त पर्यटन विभाग की तरफ से किए गए हैं। सचिन जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप विश्वविख्यात चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो पर्यटन विभाग में क्या क्या बंदोबस्त किए हुए हैं? देखिए, सर्वप्रथम हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंपलसरी किया है और उसके अंतर्गत हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एक व्यवस्था है जो हमारी 15 अप्रैल से हमने शुरू कर दिया था, और ये रजिस्ट्रेशन की जो ऑनलाइन व्यवस्था थी उसके सापेक्ष हमने एक प्रतिदिन प्रत्येक धाम में कितने श्रद्धालु जा सकते हैं ये सीमा भी निर्धारित की थी। उसके अलावा कुछ ऐसे यात्रीगण होते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर नहीं पाते हैं, उनके लिए हमने एक ऑनस्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की गई है, तो वो व्यवस्था ऋषिकेश और हरिद्वार में चल रही है। सचिन जी, जिस तरीके से चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी इस बार धामी सरकार ने काफ़ी मुस्तैदी दिखाई है, तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आम श्रद्धालु किस तरीके से उन सेवाओं का लाभ ले पाएगा? देखिए, स्वास्थ्य सेवा के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगह जगह मेडिकल रिलीफ पोस्ट लगाई है, हेल्थ स्क्रीनिंग पॉइंट्स लगाए हैं, हेल्थ एटीएम्स लगाए गए हैं, और जो एनजीओज और जो स्वास्थ्य के सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। जो रहने की व्यवस्थाएं हैं इसमें पर्यटन विभाग से क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और जो होम स्टे योजना उत्तराखंड की मोस्ट प्रेसिडेंट योजना है, तो होम स्टे कितना कारगर साबित हो रहे हैं और बाकी व्यवस्थाएं क्या क्या रहने के लिए? देखिए, अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में हमारे पास ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास होम स्टेज रजिस्टर्ड हुए हैं और चारधाम रूट पे इन होम स्टेज की संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में है, तो ये होम स्टेज के विकसित होने के कारण एक नई एकोमोडेशन कैपेसिटी भी अलॉन्ग द चारधाम रूट क्रिएट हुई है, और उत्तराखंड में जो चारधाम रूट है उसके अगल बगल भी विगत 3 सालों में काफ़ी टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत भी नए एकोमोडेशन यूनिट्स डेवलप हुए हैं। चारधाम यात्रा के दौरान आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितने श्रद्धालु आएंगे और अभी तक की क्या स्थिति और इन फ्यूचर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अभी 10 तारीख को कपाट खुले हैं, पहले 2-3 दिन स्थानीय व्यक्ति है जो उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा भी दर्शन वगैरह किए जाते हैं, तो शुरू में जो श्रद्धालुओं की संख्या जो धामों में है वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है वही लोग उसी पर्टिकुलर डेट जिसके लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको हम प्राधान्य देके प्राथमिकता देके उनके दर्शन कराए जा रहे हैं। हेली सर्विस में अक्सर देखा गया है कि टिकट ब्लैक करने की खबरें आती हैं, तो इसे लेके आपका विभाग कितना मुस्तैद है कि हेली सेवाओं का चारधाम यात्रा पर कोई असर ना पड़े? 2 साल पहले ये प्रॉब्लम था, लेकिन पिछले साल से हमने IRCTC के साथ टाई अप किया है और अभी जो भी हेली सर्विसेज के लिए बुकिंग होती है IRCTC के पोर्टल से होती है, और उसके अलावा भी कुछ टूर ऑपरेटर्स और कुछ एजेंट्स द्वारा भी कुछ बदमाशियां की गई थी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। चार धाम यात्रा के दौरान कुछ यूट्यूबर्स की वजह से व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और कुछ गलत खबरें भी भ्रामक खबरें भी प्रचारित की जा रही हैं, इसे लेके सरकार कितनी गंभीर है? जहाँ तक भ्रामक खबरें फैलाने की बातें हैं तो संबंधित के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और चार धामों में विशेषकर मंदिर प्रांगण और उसके 50 मीटर की परिधि में ये भी हो रहा था कि रील्स बनाई जा रही थी जिसके कारण जो श्रद्धालु है जो दूर दराज क्षेत्र से आ रहे दर्शन करने के लिए उनके दर्शन में भी असुविधा उत्पन्न हो रही थी, उनको आज से हमने उस 50 मीटर की परिधि में जो सोशल रील्स वगैरह है उसको बनाने के लिए प्रतिबंधित किया। श्रद्धालुओं को ओवर रेटिंग पे सामान उपलब्ध होना, इस तरह की दिक्कत परेशानी के लिए कोई व्यवस्था की गई कि ओवर रेटिंग टैक्सी वाले या खाने पीने की चीज़ों को लेकर? देखिए, जहाँ तक खाने पीने की चीज़ों के ओवर रेटिंग का सवाल है, जिला प्रशासन द्वारा इसके संदर्भ में दल बनाए गए हैं जो समय समय पर चेकिंग करते रहते हैं। तो टैक्सी वगैरह के जो ज़्यादा पैसे लेना ओवर रेटिंग उसे लेकर कोई?
हमारे यहाँ ऑपरेट 24/7 का कॉल सेंटर चल रहा है, अगर इसे शिकायत प्राप्त होती है तो आरटीओ और पुलिस के माध्यम से इसको दिखाया जाता है। अंत में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि पूरे देश की जनता से चारधाम यात्रा को लेकर आप कोई अपील करना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए आवश्यक है, तो रजिस्ट्रेशन करके ही आए है, और जिस डेट का रजिस्ट्रेशन है उसी डेट पे रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी डेट पे वो अपना आने का प्रोग्राम बनाए, बिकॉज जो पोस्ट डेटेड जर्नी जिसे हम बोलते हैं कि जुलाई में किसी का रजिस्ट्रेशन है, अगस्त में है, ऐसे लोगों के लिए भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब उनका रजिस्ट्रेशन जिस डेट का है उसी डेट पे आए। धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि रजिस्ट्रेशन तारीखों का खास ध्यान रखें, चारधाम यात्रा के दौरान हर श्रद्धालु का और भारत के तमाम नागरिकों का, देश विदेश के नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि चार धाम यात्रा में सब अपना सहयोग करें, व्यवस्था बनाने में किसी तरीके का व्यवधान उत्पन्न ना हो, इससे सभी को लाभ होगा और ये जो चार धाम यात्रा है सुचारू रूप से चल पाएगी। फिलहाल मोहम्मद सलीम सभी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सत्य के साथ।